राज्यसभा चुनाव में विपक्षी दलों ने जिस तरह से माले को बदनाम करने की साजिश किया है और ये राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से मैंने एक मत धीरज साहू कांग्रेस के उम्मीदवार को दिया, दूसरा वोट नोटा को दिया, और ये राज्यसभा चुनाव के जो कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह थे उसके कहने पर मैंने ऐसा काम किया है और ये वोट रद्द हुई है, तो ये किस्म से ये चूक का मामला है और इसके लिए कांग्रेस जिम्मेवार है। और मैंने कोई भाजपा के साथ या किसी प्रकार के किसी पार्टी के साथ कोई भी प्रकार का कोई मामला नहीं है, इसीलिए मैंने पार्टी को स्वयं लिख करके दिया कि इसकी केंद्रीय कमेटी के लोग जांच करें और जब तक जांच नहीं पूरी होती है तब तक मुझे सभी पार्टी पदों से मुक्त किया जाए, और ये मैंने खुद लिख के दिया है, इसलिए क्योंकि किसी प्रकार का कोई सच्चाई नहीं है। माले की लोकप्रियता जो लगातार बढ़ रही है और कोडरमा लोकसभा में माले जो लगातार 2 बार से रनर रहा है और इस बार जब महागठबंधन में माले का एक मजबूत दावेदारी उभर के सामने आ रही है तो कांग्रेस जेवीएम और जेएमएम जो कैसे माले को गठबंधन से बाहर करके धर्मनिरपेक्ष ताकत को कमजोर किया जाए, इसी साजिश के तहत में इस तरह से एक जो है सो हमला किया जा रहा है। जहां तक जेबीएम के खुद दोनों एमएलए भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए, इसके पहले भी आप देखेंगे कि प्रकाश राम ने वोट दिया था, उस समय जेबीएम ने निलंबित नहीं किया, और जब भी भाजपा संकट में आया है तो जेबीएम के लोग भाजपा को बचाने का काम किया है, और आज जेबीएम के लोग उल्टा चोर कुतवाल को डांटे वाला कहावत को चरितार्थ कर रहा है, लेकिन माले हमेशा फासिस्टवादी ताकतों को पराजित करने के लिए भाजपा के खिलाफ लड़कर आज जो धनवार में सीट जीता है, बैकवर्ड दलित और कमजोरों को अकलीतों की आवाज को दबाने की साजिश है, और पूरे देश में आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में साजिशें हो रही है और इस तरह से कोडरमा में उभरता हुआ आवाज को दबाने की साजिश है, लेकिन इसका मुकाबला हम लोग करेंगे और हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे और इस बार भाजपा को माने जो है सो पराजित करेंगे, ये हम लोग का संकल्प है।